हेलो। हेलो। हाँ यस मैम। जी सर, गुड मॉर्निंग जी मैम, गुड मॉर्निंग। बताइए। सर। ऑन पैसे में क्या चल रहा है? वेबसाइट भी बंद हो रही है, इकोसिस्टम भी बंद हो रहा है, वो फाउंडर भी बंद है, वो कनेक्ट भी बंद है, और मिस्टर नजाल सर भी इनको ऑन पैसे को छोड़ के जा चुके हैं सर। क्या बोला मैम आपने? सर सब कुछ बंद पड़ा है, वेबसाइट बंद पड़ी है, हाँ, इकोसिस्टम बंद है। वो तो अब से बंद थोड़ना है मैम, पिछले 3-4 दिन से बंद है वो तो। सर मैंने तो अभी देखा था, और मिस्टर नजाल सर भी छोड़ के जा चुके हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है हमारे साथ? अरे नहीं, गलत किस टाइप का गलत? आपके साथ क्या गलत होगा इसमें सर, कंपनी छोड़ जाए हमारा पैसा, कहीं वही है बस मैम? थोड़ा। जब सर भी आपसे बात होती है तब आप इतना डीपली सोचते हो, इतना डीपली सोचते हो आप हद से ज्यादा। सब कुछ बंद हो रहा है तो क्या तो है, सब कुछ कुछ बंद हो गया तो इन्फॉर्मेशन क्या भी हो गया नहीं? मैम? हाँ आपको पता है कंपनी में माइग्रेशन चल रहा है। माइग्रेशन का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? जी सर, डेटा क्या ट्रांसफर होता है इसका मतलब तो। पर कितना टाइम लगेगा इसमें माइग्रेशन में? माइग्रेशन में कितना समय लगेगा हाँ जी मैम? माइग्रेशन में कितना समय लगेगा आप गूगल करके देखना, एक कंपनी को माइग्रेट होने में, अपना डेटा ट्रांसफर होने में कितना समय लगता है। जैसे मैंने गूगल करके देखा था तो इसमें 6 से 7 दिन का समय भी लग सकता है, और कंपनी के डेटा के ऊपर डिपेंड है कि कंपनी का डेटा किस हिसाब से कैसे क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसमें 1 महीने का समय भी लग सकता है। अच्छा हाँ बिल्कुल, तो आपको इसमें पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है, कंपनी के काम है ये। ठीक है, अच्छा जी सर, कंपनी कंपनी का मैम सिस्टम बंद है और अब से नहीं है, 3-4 दिन हो गए इसको बंद हुए। ठीक पता नहीं है। सर, मैंने तो कल ही देखा था, फिर मैंने सोचा कि ये सब हाँ कुछ तो बंद हो रहा है तो क्या आप चक्कर वही है। बात है ना, आप वैसे तो सिस्टम को आप सब खोल के कुछ सही देखते तो नहीं, है ना वैसे मैंने तो तो। आप ओपन करके देखते नहीं। जब आपका बैक ऑफिस और इकोसिस्टम लॉगिन नहीं हुआ तब आपके मन में ये भ्रांति आ गई कि ऑन पैसे छोड़ गए तो नहीं चला गया। हाँ यदि जी आप वही है। रेगुलर अच्छा विजिट करें ऑन पैसे के प्लेटफॉर्म पर तो आपके मन में ऐसी बातें आएंगी ही नहीं। जी और वही है मैम, माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, अभी डेटा का माइग्रेशन हो रहा है। ऑन पैसिव ने जो वादा करा था ना उसका माइग्रेशन नहीं है, ऑन अच्छा पैसिव अच्छा का जो वादा है, जो ऑन पैसिव ने अपने से कमिटमेंट कर रखा है वो सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा उन्होंने बोला है कि हम फर्स्ट सेल का आपको 100% देंगे, सेकंड सेल का 25% देंगे, आगे जितने भी सेल होगी सबका 25% मिलेगा, वो वादा सेम है ऑन पैसिव का। हाँ बट डेटा अच्छा का माइग्रेशन हो रहा है। वो क्या था, ऑन पैसिव पहले AWS पे काम कर रहा था। जी अच्छा AWS पे काम कर रहा था। AWS पे काम करने के बाद अब क्या कर रहा है, कंपनी डेटा को माइग्रेट कर रही है कहीं दूसरी जगह, डेटा को शिफ्टिंग कर रही है। ठीक है, जी सर दूसरे सर्वर पर अपना डेटा जा रहा है। AWS में क्या हो रहा था, कंपनी को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था, तो अच्छा मिस्टर अच्छा ऐश ने कॉस्ट कटिंग के लिए डेटा को दूसरी जगह शिफ्टिंग कर रही है, एक तरीके से सर्वर चेंज हो रहा है, आप ये कह सकते हैं सीधी सादा भाषा में। जी ठीक जी जी बिल्कुल। है हाँ मैम, जी बाकी सर, बाकी चीज़ें ये हैं मैम। देखो जब नए सर्वर पे आ जाएगा ऑन पैसे सब सारी चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, सारी की सारी अच्छा चीज़ें बदलेंगी ऑन मतलब पैस, मतलब सारी चीज़ें बदल जाएंगी, मतलब सिस्टम बदल जाएगा, आपके वादे कमिटमेंट नहीं बदलेंगे ऑन पैसे ने। जब आप इतना निराश मत हो कि आपसे जो वादे कर रखे हैं वो बदल जाएंगे, नहीं, एक सिस्टम बदलेगा, एक डेटा बदलेगा। ठीक है, और अभी अभी सभी को पता है कि वो कनेक्ट भी बंद है, वो फाउंड्री बंद है। और मैं देखो इसमें चेंजेस और हो सकते हैं, जैसे अभी आप वो फाउंडर अलग चलाते हैं, इकोसिस्टम अलग चलाते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ये सुनने में आ रहा है कि जो भी माइग्रेशन होगा ना, तो माइग्रेशन की प्रक्रिया के बाद शायद वो फाउंडर का जो भी डेटा है वो अच्छा इकोसिस्टम में शिफ्ट हो सकता है। जी समझ पा रहे हैं आप? मतलब आपको जैसे 2-3 जगह लॉगिन करना पड़ता है, वो फाउंडर आप अलग जाके लॉगिन करते हैं, इकोसिस्टम आप अलग जाके लॉगिन करते हैं। ठीक है, और हाँ जी आप वो वेबसाइट को आप करते ही खैर अलग है, तो कंपनी शायद ये प्लान कर सकती है कि वो फाउंडर वाला जो डेटा है वो इकोसिस्टम में ट्रांसफर कर सकती है। मतलब सिंगल क्लिक में आप दोनों चीज़ों को विजिट कर सकते हैं, इकोसिस्टम भी विजिट कर सकते हैं और वो फाउंडर डॉट नेट को भी विजिट कर सकते हैं। अच्छा जी हाँ, तो ये वाली बातें शायद चल रही है कंपनी में, क्यों काफी लोगों से बातचीत हुई है मेरी, तो मतलब ये उड़ती उड़ती खबर है, समझ रहे हैं आप? हाँ इसको ये मत मानना कि मतलब ये 100% कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ये उड़ती उड़ती खबर है कि ओ फाउंडर अच्छा डॉट नेट को इकोसिस्टम में कंपनी मर्ज कर सकती है। और मैम देखो आज ऑन पैसिव का 360 वेबिनार है। ठीक सर, है, वो कनेक्ट तो बंद है, फिर वेबिनार कहाँ क्रिएट होएगा सर इसका? ओ कनेक्ट पे मैम, ओ कनेक्ट तो बंद ही है, वेबसाइट बंद है, सब कुछ बंद है, तो ओ कनेक्ट पे हाँ नहीं होगा जी वेबिनार। ओ कनेक्ट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है कंपनी के पास, अच्छा, जैसे जैसे री स्ट्रीम है या यूट्यूब पे भी लाइव आ सकता है। ठीक है, हाँ वही है मैम, रेड कृष और मार्टी के साथ ये 360 वेबिनार होने वाला है, जी और मिस्टर ऐश के आने के बारे में नथिंग टू से, कुछ नहीं कह सकते कि अच्छा, मिस्टर ऐश इस वेबिनार में आएंगे या नहीं आएंगे। खबर नहीं है सर इस चीज की। नहीं मैम, देखो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। ठीक है, इसके अच्छा बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता, क्यों मिस्टर ऐश से किसी की बात तो होती नहीं है।
ठीक है, और उनकी क्या प्लानिंग है, क्या उनके माइंड में चल रहा है, ये सब कुछ चीजें रीड कर पाना, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में अपन ओके कुछ नहीं कह सकते। हाँ, उनके पास इनविटेशन लिंक जाता है, ओके उनकी चॉइस है, यदि वो 360 को ज्वाइन करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। सर, और मैम देखो, आपने यूजर्स बनाए हैं इस कंपनी में अभी तक? मैंने तो नहीं बनाई है जब सभी तो नहीं बनाए ना आपने? देखो मैम, ना मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक ये एडवाइस भी मान सकते हो, इसको कुछ भी मान जी सकते हो। बनाई है। हाँ जैसे आप कंपनी में जब यूजर्स बनाएंगे, ठीक है, तो जी मेरा ये कहना है आपसे, आप किसी से झूठे वादे मत करना। बताइए। अरे सर, झूठे वादे कंपनी ने हमसे कर लिया, अब हम किसी और से क्यों करेंगे सर? कंपनी ने कौन सा झूठा वादा कर लिया आपसे? सर ये झूठे वादे, ये इतने इतने दिन हो गए, पैसा लगाया कुछ मिल नहीं रहा, तो झूठा वादा ये तो ये थोड़ी ना कहा था कंपनी ने इतना टाइम लगाएंगे हम आपको कुछ देखो देने मैम, वो टाइम लग रहा है, वो टाइम अपने अच्छे के लिए ही लग रहा है, ठीक है। मैं आपको में। एक लाइन बोली, आप उसका रिवर्ट जवाब दे रहे हो। मैंने आपको बोला है कि आप ये कोई यूजर से यदि आप लेके आते हो कंपनी में, तो उससे हाँ झूठ, जी हाँ उससे मतलब फॉल्स कमिटमेंट मत करना उससे, ठीक है। जो एक्चुअल है, जो जी एक्चुअल जो उन पैसे में चल रहा है, वो बताने की उसको कोशिश करना, ठीक है। यदि मैं तो वो बिल्कुल आए, सही बता के लाऊंगी सर, अगर किसी को लाऊंगी तो। जो यूजर्स आना चाहे उसका मोस्ट वेलकम, ठीक है। पर मैं आपसे एडवाइस देना चाहता हूँ, ठीक है, आप किसी से झूठे कमिटमेंट मत करना, ठीक है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं करूंगी मैं तो। हाँ हाँ, मतलब झूठे कमिटमेंट जो उन पैसे में चल रहा है, वो उन पैसे जी की सच्चाई उसको बतानी है, यदि वो सर, इंटरेस्टेड है ऑन तो। पैसे ने हमें ये चीज कहाँ बताई थी तो कि हम इतना टाइम लेंगे, आप मैम पैसा देखो, लगा दो, टाइम हमारे बस में, हम कितना टाइम लेंगे, देखो कितने मैम, टाइम टाइम, बाद आप आपको उसका चीजें देखो, अभी माइग्रेशन सब पे आ कुछ गया, मतलब देंगे, कभी कुछ मतलब दिक्कत हो जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है। ये नहीं हाँ, पता था सर इतना लंबा टाइम लगेगा सर, ये तो टाइम के बहुत बारे में तो मतलब। देखो किसी को भी नहीं पता था, इस बात के लिए मैं एग्री करता हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बट बाकी यदि देखो यूजर्स की यदि मैं बातें करता हूँ, तो मैं अगेन आपसे बोलता हूँ, फॉल्स कमिटमेंट यूजर से मत करना, और आपके ओके ऊपर सर। कोई प्रेशर भी नहीं है, ठीक हाँ है, जी कंपनी की बिल्कुल, तरफ से कोई यूजर प्रेशर, बनाने का तो कोई प्रेशर नहीं हाँ, है सर। कोई प्रेशर भी नहीं है ऑन पैसे का कि आप यूजर्स लेके आओ, ठीक है, हाँ जी ये आपकी चॉइस है। बाकी ऑन पैसे का वादा है कि आपको ऑटोमेटिक ट्रैफिक देगा ही देगा, हाँ जी ठीक है। आपने ऑन पैसे की फाउंडरशिप ली है, वो कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब करा है, तो कहीं ना कहीं ऑन पैसे आपको मतलब ट्रैफिक देगा ही देगा, ठीक है। और बट आप सर एक वो बात, प्रॉपर टाइम पे मिल नहीं पा रहा ना, टाइम तो कितना देखो टाइम मैम, ले लिया टाइम सर के बारे में कंपनी कुछ ने, और नहीं कह अभी भी सकते, आगे भी कितना टाइम का कुछ नहीं कह अभी सकते, कुछ नहीं तो कह सकते, माइग्रेशन में भी कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में भी वही कुछ नहीं बात कह है ना सकते, सर, ठीक फिर है। सपने पूरे कब होंगे क्या लग रहा है सर सपने ऐसे देखो तो? मैम, सपने पूरे कब होंगे, आदमी के जितने सपने पूरे हो भी जाते हैं ना, उसके बाद और भी सपने देखने लग जाता है हाँ आदमी, वो ठीक तो फिर देखिएगा, है। अगर सपने कभी नहीं पूरे नहीं देखिएगा होते, तो हाँ, अगली लाइफ ही नहीं पड़ेगी, सपने कभी अगर पूरे नहीं सपने होते पूरे आदमी हो के, जाए हाँ, और पेट भर जाए इंसान का तो वो कुछ करेगा ही नहीं। वो बात आपकी ठीक है, आदमी को सपने भी देखना हाँ चाहिए तो और ये तो आदमी के जरूरी अंदर एक होता है भूख सर, भी ये होनी चाहिए, ठीक है। वो तो बातें, सारी जरूरी बातें होता है। ठीक है आपकी, बट आप है ना, मतलब थोड़ा सा उन पैसे को है ना सेकेंडरी थिंग रख के चलो, आप अपने हाँ मेन जी काम पे फोकस करके चलो। ऑन पैसे जिस दिन आपको फिर लगे कि सर, हाँ, जो उन पैसे का वो वादा कहाँ पूरा हुआ कि आप एक बार पैसा लगा तो फिर आप आराम से सो ना, आपको कोई जरूरत नहीं है देखने, अब मैम कमाना तो तो पड़ रहा है ना, मैं कहीं दूसरी जगह से कमाएंगे तो कमाना तो पड़ेगा, आप ऑन पैसे में आ कंपनी का जा। वादा तो हो ही गया ना, आप कह रहे हो ना कंपनी ने कहाँ वादे गलत कर दिए आपसे। नहीं 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 वादे अभी, वो वादे अभी चल रहे हैं अभी, मतलब उन पैसे फेल नहीं हुआ है। आप सोचो कि उन पैसे फेल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, उन पैसे अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं मैम, ठीक है। और जी इसके अलावा देखो, आपने एक लाइन मिस्टर नजाल के बारे में पूछ रहे थे आप, है ना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, देखो मैम, मिस्टर नजाल के नजाल सर भी बारे, छोड़ गए सर इसकी कंपनी को। देखो अच्छा मैम, नजाल सर छोड़ गए, नजाल सर ने अपनी खुद की कंपनी डाल ली है, ठीक है। मैंने जी पहले भी बताया था, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी इसके बारे में, मिस्टर नजाल सर अच्छा ने अपनी खुद की कंपनी डाल ली है, मीडियाबुल डॉट ए, ये उनकी खुद की कंपनी है। आप एक बात बताओ, यदि आप कहीं के एम्प्लॉय हो, ठीक है, आप क्या टीचिंग लाइन में हो ना आप, ठीक हाँ है, जी आप किसी स्कूल में पढ़ाते हो, ठीक है, सपोज करो आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, हाँ एक दिन जी ऐसा आएगा कि आप खुद की स्कूल डाल लोगे, तो आप उस देंगे प्राइवेट स्कूल से रिजाइन नहीं दोगे? सर, अरे आदमी अपने करियर के लिए कहीं भी जा सकता है, आदमी अपना करियर बनाने के लिए, पैसे के लिए कहीं भी जा सकता है। हाँ जी उन्होंने बिल्कुल 2 साल उन पैसे को दिए, ना तो उन पैसे से उनको कोई दिक्कत हुई, और ना ही मिस्टर नजाल को उन पैसे से कोई दिक्कत हुई, और ना ही फाउंडिंग मेंबर्स तो मैम उनको बहुत पसंद करते थे, ठीक हाँ है। जी अब यही है, उन्होंने अपनी खुद की कंपनी डाल ली, खुद के कंपनी के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, मीडियाबुल डॉट एआई कंपनी है, एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, खुद की कंपनी, खुद का सेटअप, खुद का करियर, चले गए जी छोड़ के, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे वो तो कंपनी के हाँ सीएमओ थे, मिस्टर नजाल जी चले गए तो कोई दूसरे मिस्टर आ जाएंगे उस पे, तो उसमें अपना हाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है। जी अपने को इन्फॉर्मेशन उसी तरीके से मिलती रहेगी जिस तरीके से पहले मिलती थी,
ये सब कंपनी के बैकएंड पे है, कंपनी के हैंड पे है कि कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती, किस एम्प्लॉय को लेके आती है किस एम्प्लॉय को बाहर करती है, कौन सा एम्प्लॉय जाना चाहता है कौन सा एम्प्लॉय आना चाहता है, अपने को इसके बारे में सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ठीक है मैम, यूजर्स हाँ के जी, बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि अपने को फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना है यूजर से, जी बिल्कुल, और फाउंडर के बारे में मैंने आपको बताया शायद ये वो फाउंडर अपना जो फाउंडर है इकोसिस्टम में मर्ज हो सकता है, और बाकी माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, माइग्रेशन के प्रोसेस में 6 से 7 दिन का समय, अच्छा हाँ 6-7 दिन का समय भी लग सकता है, हो सकता है महीने का समय भी लग जाए। ठीक है, जिस तरीके से गूगल जो जानकारी देता है उसमें यदि कंपनी का कोई डेटा ज़्यादा है या माइग्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल है तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। हाँ जी, और आज के ऑन पैसिव 360 वेबिनार है, जो भी इसके बारे में अपडेट रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक हाँ जी, है मैम, और कोई ओके नॉलेज सर, और कोई अपडेट आपको यदि ऑन पैसिव की यदि आप बताना चाहते हैं मुझे, जो मुझे नहीं पता है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है मैम, ऐसे तो कोई अपडेट नहीं है सर मेरे पास तो अभी तो। हाँ बस यही है मैम, आप थोड़ा सा एक्टिव रहा करें चीज़ों को, माइग्रेशन के प्रोसेस को 4 दिन हो गए चलते हुए, आपको आज पता चला है और आज आप सर आके पूछ रहे हैं कि सर ऑन पैसिव ऐसा कुछ कभी कुछ गलत तो नहीं कर ये रहे। सेकेंडरी थिंग ही हो गया तो मेरे लिए, तो मैं तो बहुत कम देखती हूँ आजकल, पहले अपने हाँ काम पे ध्यान रखती हूँ, जो टाइम मिल जाता तो देख लेती हूँ, उनका को नहीं तो नहीं सर। हाँ चलो चलो ठीक है मैम, है ना, हाँ जी, थैंक ठीक है मैम, ओके, यू सर। मोस्ट वेलकम।